नॉर्मल भेल तो आप सभी लोगों ने खाई होगी, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्प्राउट वाली भेल जो कि ग्वालियर में मिलती है। तो चलिए चलते हैं उसकी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा। भैया कितने टाइम से लगा रहे हो यहाँ पे? भैया मुझे अभी एक हफ्ता हुआ है। तो कैसे आइडिया आपको स्प्राउट वाली भेल लगानी है? सर मेरे को ऐसे आइडिया आया है कि मैं जिम जाया करता था, जिम में मेरे ट्रेनर ने बोला कि आप स्प्राउट खाया करो। स्प्राउट मैं जब गला देता था रात में तो अंकुरित नहीं हो पाते थे मैं, या फिर भूल जाता था खाने को। तो मैंने सोचा शायद जिस तरीके से मैं भूल जाता हूँ और भी लोग भूलते होंगे, उनकी भी डाइट खराब होती होगी, इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि कुछ यूनिक किया जाए। स्प्राउट तो सब बेचते हैं बट स्प्राउट भेल कोई नहीं बेचता है। क्या क्या रखा है यहाँ पे आपने? जी मैंने स्प्राउट चने हैं, स्प्राउट मूंग की दाल है, स्प्राउट मोठ दाल है, स्प्राउट मेथी दाना, ये सोयाबीन मूंगफली दाना और ये स्प्राउट गेहूँ। तो साथ में क्या रहता है? नींबू रहता है सर, ये नींबू है, अनार डालते हैं जो भी ख़त्म हो गया। ये पैकिंग जो बिना मसाले के जो खाता है, मतलब जिसको थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए, तो उसके लिए पैकेट देते हैं हम। ये मसाले, ये तिली है, रोस्टेड तिली, अलसी है, ये जीरा मसाला है अपने पास, ये मगज के बीज हैं, और ये काला नमक सौंधा नमक इसमें डाला जाता है। जो घर पर नहीं गला पाते हैं उनके लिए मात्र 10 रुपये के 4 बादाम दिए जाते हैं यहाँ पर। आंवले का मुरब्बा जो जिसको खाना है 10 रुपये का एक पीस देते हैं हम ये। तो चलिए हम ये भेल लगवाते हैं। तो सबसे अलग है चने, बताते हैं जी सर ये स्प्राउट चने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या डाले जा रहे हैं? ये स्प्राउट मूंग की दाल है। ठीक है, स्प्राउट मोठ दाल है, ये मेथी दाना है। ये फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। कड़वा लगता है बीच में? नहीं ज़्यादा नहीं लगता है, वैसे अगर इस मेथी दाने को अकेला खाओगे तो कड़वा लगेगा। और ये काफ़ी प्रोटीन से भरी होती है। यस यस यस, मूंगफली इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा स्प्राउट गेहूँ, तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब इसमें डालेंगे हम काला नमक सौंधा नमक। ठीक है, इसी के साथ डालेंगे हम ये अपना जीरा मसाला। तो कितने रुपए की रहती है ये? सर 20 रुपीस। 20 रुपीस में इतनी सारी दाल? जी सर, ये हमारी लहसुन हरी मिर्च और धनिया की चटनी है। और थोड़ी चटपटी बन जाएगी? जी सर। अब इसमें हम डालेंगे ये रोस्टेड तिली, ये अलसी का बीज है, ये अलसी, और ये है अपना मगज का बीज, जी खरबूजे का बीज भी बोलते हैं इसको, और ये है खसखस। अब आपकी स्प्राउट भेल तैयार। तो फाइनली मेरी स्प्राउट वाली भेल यहाँ पे लग चुकी है। तो देख सकते हो इन्होंने कितनी सारी इसमें दालें मिक्स की है, चने मिक्स किए हैं, काफ़ी सारे इसमें मसाले यूज़ किए हैं। ऊपर से देख सकते हो उन्होंने खरबूजे के बीज डाले हुए हैं, अनार दाना डाला हुआ है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वाकई में इनकी स्प्राउट भेल खा के मज़ा ही आ गया, एकदम चटपटी सी है, बहुत ही टेस्टी है, काफ़ी सारे इन्होंने दालें यूज़ की है इसमें। आप नॉर्मल भेल खाना तो भूल ही जाओगे। 20 रुपीज़ की भेल है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, और ये इंडिया में हाईली रिकमेंडेड है, एकदम चटपटी सी है। भैया टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? हमारी टाइमिंग यहाँ से सुबह 5 बजे से 11 बजे तक। हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? 7 दिन। 7 दिन जी। और एड्रेस बता दीजिए किसको भेल खाने के लिए यहाँ पे आना हो। हमारी शॉप का नाम न्यू स्प्राउट भेल है, और ये आपको ग्वालियर में उरवाई गेट पर मिल जाएगी, जो उरवाई गेट का चढ़ता हुआ रास्ता है वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको भी हेल्दी स्प्राउट भेल खानी है तो ग्वालियर का उरवाई गेट है उसके पास आपको ये शॉप मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।